आज हम लोग कैफे के जैसे पोटैटो वेजेस बनाएंगे दोस्तों। देखिए कितने कुरकुरे बने हैं, कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली रेसिपी है दोस्तों, बनाइएगा जरूर से, सब खुश हो जाएंगे। और मेरे चटोरों कैसे हो आप, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर चार आलू लिए हैं, थोड़े से बड़े साइज़ के हैं। इनको हम लोग रगड़ कर साफ़ करेंगे, क्योंकि हम लोग को इसकी चमड़ी रखनी है, उसका अच्छा फ्लेवर आता है। एक पतीले में पानी ले लीजिए और एक टूथब्रश ले लीजिए, नई टूथब्रश या फिर किचन वाली टूथब्रश ले सकते हैं। और फिर हम लोग इसको साफ़ करेंगे, सारी मिट्टी निकालनी है इसकी, उसका ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहो तो स्टील का जूना जो होता है ना, उससे भी इसको साफ़ कर सकते हो। मैंने अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर चारों आलू को साफ़ कर लिया है, और देखिए पानी कितना गंदा हो गया है। चलिए ये पानी को हटाते हैं हम लोग और आलू को कट करते हैं। इसके अभी हम लोग वेजेस बनाएंगे, बहुत इजी है दोस्तों। आलू ले लीजिए, इसको आप बीच से आधा कर दीजिए, और फिर से इसको आधा कर दीजिए, और फिर से आधा कर दीजिए, तो एक आलू से 8 पीस पोटैटो वेज बन जाएंगे। आप छोटे आलू से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रोसेस सेम ही है। तो एक आलू से जब 8 बनते हैं, सोचिए तो 4 आलू से 32 बन जाएंगे ना। तो सारे के सारे मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं, इतने सारे बन चुके हैं। अब हम लोग एक कढ़ाई लेते हैं और इसमें हम लोग आलू डाल देंगे, और उसी के साथ में पानी भी। यहाँ पर मैंने लगभग 1 लीटर पानी डाला है, पानी अगर ठंडा हो तो अच्छा रहेगा। बाहर की जो मांड होती है ना, और जो थोड़ी बहुत मिट्टी है उसको निकालनी है, तो 2 से 3 मिनट तक ऐसे मिक्स करते रहिए ताकि ये आलू साफ़ हो जाए। देखिए पानी धुंधला होने लग चुका है, अब ये पानी को हम लोग हटा देंगे और फिर ये कढ़ाई को गैस पे टिकाएंगे। नया पानी अब हम लोग इसमें डालेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर पानी इस्तेमाल किया है और फ्लेम मैंने हाई रखी है। 1.5 लीटर पानी इसमें डाल दिया, साथ ही में इसमें नमक डाल देंगे 2 चम्मच। नमक 2 चम्मच थोड़े ज़्यादा है, लेकिन वो दो काम करेगा दोस्तों। एक तो आलू के अंदर टेस्ट आ जाएगा, और साथ ही में उसकी एक्स्ट्रा जो स्टार्च होती है वो निकल जाएगा। मैं आपको ज़्यादा नहीं पकाऊंगा ये वीडियो में, अगर आपको डिटेल में समझना है ये प्रोसेस क्यों करते हैं, तो आप मेरा फ्रेंच फ्राई का वीडियो देख सकते हो। हाई फ्लेम पर ये आलू को 80% उबालना है, तो ढक्कन लगा दीजिए, 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं उबालना है दोस्तों, उस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी गैस की फ्लेम थोड़ी ज़्यादा आती है तो ये 10 मिनट से भी कम में हो जाता है। पूरी 10 मिनट बाद मैं ये चेकिंग कर रहा हूँ। देखिए मैंने एक पीस निकाल लिया, एक कांटा से इसको प्रेस कर कर देखेंगे, ये आसानी से अंदर जा रहा है, मतलब ये बिल्कुल रेडी है। इसको फोक टेंडर बोलते हैं। एक आलू चेक नहीं करेंगे, एक दो और करेंगे, इसको तोड़ कर भी देखते हैं। आसानी से टूट रहा है और प्रेस भी हो रहा है। वो आलू थोड़ा सा छोटा था, इसलिए मैंने एक और आलू यहाँ पर चेक किया है। मतलब अब सारे के सारे आलू रेडी है, इसको हम लोग निकाल कर एक पतीले में रख लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही गर्म है अभी ये आलू, तो 5 मिनट इसको ठंडा होने देते हैं, तब तक हम लोग बैटर बना लेते हैं। ये कोटिंग सही से करने में मेरे को 7 बार इसको बारी बारी बनाना पड़ा दोस्तों, और 2018 में मैंने ये रेसिपी सीखी थी, तो वो प्रोसेस आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ। एक बोल ले लीजिए, उसमें आप आधा कप मैदा ले लीजिए, आधा कप मैदा 60 ग्राम के आसपास होता है। आधी कटोरी ले लीजिए, और उसका आधा आपको अरारोट लेना है या फिर कॉर्नफ्लावर लेना है। तो 1/4 कप मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाल दिया, और उतना ही मतलब मैदा से आधा चावल का पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है, मतलब 1/4 कप चावल का पाउडर है। ये नहीं हो तो आप मिक्सी में चावल को पीस लीजिए और फिर इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैंने भी वैसे ही किया है। अब इसको चटपटा बनाते हैं दोस्तों, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मिर्चा इस्तेमाल करी है। ये मोटी पिसी हुई लाल मिर्च है, चिली फ्लेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया है, फ्रेश धनिया था जिसके डंठल को मैंने काट कर डाल दिया। 1 चम्मच सफ़ेद नमक, 1 चम्मच हम लोग इसमें वो पिज्ज़ा वाला हर्ब्स डाल देंगे। यहाँ पर मैंने ऑरिगेनो इस्तेमाल किया है, और लहसुन का फ्लेवर डालने के लिए मैंने यहाँ पर लहसुन का पाउडर इस्तेमाल किया है। ये अगर नहीं हो तो आप 6 से 7 कलियाँ काट कर इसमें डाल सकते हो, या फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हो। अब इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और फिर हम लोग इसमें बटर डालेंगे। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर बटर को पिघलाकर इस्तेमाल किया है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हो तो आप तेल इस्तेमाल कर सकते हो।
अभी मॉइन करना है हम लोग को इसमें। अगर मॉइन नहीं करेंगे तो सूखा सूखा लगेगा पोटैटो वेजेस। बिल्कुल सही लग रहा है अब ये दोस्तों। इसमें पानी डालकर इसका बैटर बनाएंगे। एक बार में सारा पानी मत डाल दीजिएगा दोस्तों, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएगी। थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डालिए। पहले मोटा बैटर बनाइए, फिर इसको फेंटते हुए धीरे धीरे पानी डालिए और इसका पतला बैटर बनाइए। ऐसे करने से गुठलियाँ नहीं बनती है। ये देखिए कितना पतला बैटर मैंने बनाया है, जबकि इससे भी पतला होना चाहिए बैटर। अब चलिए एक आलू ले लेते हैं, उसको डुबाते हैं इसमें, और एक्स्ट्रा बैटर को हम लोग को टपकाना है, वरना पकौड़ा जैसा फीलिंग आएगा। देखिए सारा बैटर निकल रहा है, लेकिन मसाले रह रहे हैं और चावल का आटा उसमें रह रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दो तरीके दिखाऊंगा इसको बनाने के। पहला तरीका अवन में है, उसके लिए आप एक प्लेट में इनको बैठा लीजिए और 220 डिग्री टेम्परेचर में इसको 20 मिनट के लिए पकाना है। अवन पहले से गर्म रखिएगा ताकि ये फटाफट से सिक जाए। ये बिना तेल का प्रोसेस हो गया दोस्तों, लेकिन तले हुए में ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों। डेली डेली कौन ये जंक फूड बनाता है, तो उस वजह से मैं आपको तला हुआ प्रोसेस रेकमेंड कर रहा हूँ। तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। एक आलू को आप डुबा लीजिए, एक्स्ट्रा बैटर को ऐसे टपका लीजिए और फिर इसको तेल में डाल दीजिए। जल्दबाजी मत कीजिएगा, एक एक कर कर ऐसे प्रोसेस फॉलो कीजिए और इनको तेल में डाल दीजिए। फ्लेम मीडियम रखिएगा, वरना ये जो पोटैटो वेजेस है ना, बीच से हार्ड लगेंगे। ये पोटैटो वेजेस को फ्राई करना ही सबसे बड़ी कलाकारी है दोस्तों, जो कि है इनको 5 से 6 मिनट कम से कम पकाना। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो फ्राई करने के बाद निकालते साथ ही ये नरम पड़ जाएंगे, और अगर एकदम ज़्यादा ही आलसपन करोगे, मतलब लो फ्लेम पर फ्राई करोगे, तो ये ऑयली बनेंगे। मैंने पूरे 8 मिनट इसको पकाया है मीडियम फ्लेम पर और ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। निकालते हैं इसको। देखिए कितना यमी लग रहा है। लग रहा है बाजार का? मुझे तो नहीं लग रहा। वो क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उससे बेटर लग रहा है दोस्तों। आप भी ट्राई कीजिएगा, यकीन ही नहीं होगा कि ये घर में बनाया हुआ है। दूसरा बैच भी हम लोग फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। उससे पहले गैस को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि तेल पहले से ही ज़्यादा गर्म था ना, उसी वजह से शुरू में गैस को बंद कर दीजिएगा। जब ये सही से बनाते हैं तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं, कम से कम तेल रहता है इसमें। अपने पोटैटो वेजेस बिल्कुल रेडी है, जो हम लोग ने तल कर बनाए हैं, और जो बिना तले बनाए हैं वो भी रेडी है। इसमें तेल का नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी। बस एक ही बात यह है कि ये बिना तेल के बना है तो थोड़ा कलर कम आता है। आप इनमें हल्का सा तेल छिड़क कर 5 मिनट और बेक करेंगे तो ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। चलिए सर्विंग करते हैं। मैंने यहाँ पर कैफ़े स्टाइल में इसको सर्व किया है, बास्केट में डालकर। पोटैटो वेजेस के साथ ही में ये स्वीट चिली सॉस है, जो मैंने स्प्रिंग रोल्स के वीडियो में दिखाई थी ना, वही वाली है। आप भी ट्राई कीजिएगा, यम्मी लग रहा है ना? खा कर सुनाता हूँ। यकीन ही नहीं होगा सही में कि ये पोटैटो वेजेस घर में बनाया है। आप मेरी मत सुनिए, आप भी ट्राई कीजिए। एक बात सीरियसली बोलूँ तो सभी जगह सीरियसनेस चल रही है अभी। कम चीज़ों से बनने वाली रेसिपी है ये, आप भी ट्राई कीजिएगा। बच्चों को बनाकर खिलाइए, आप भी खाइए और खुश रहिए। मिलता हूँ जल्द एक और वीडियो के साथ। ध्यान रखिएगा। बाय बाय।